ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। दिल्ली आप जान लग रहे अपना पता भाई 26 जनवरी का जो चाह है नी किसाना में और जो जोश है नुकागरा भाई चतो इतना मतलब चाह कह दिया कर भाई ब्याह में दिखा कर लेकिन उस तक कई गुना चाह आज मैं देखने लग रहा हूँ कि किसाना में है और हजारों ने कहूँगा लाखों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली जान लग रहे हैं और दिल्ली छोटी पड़ेगी। सुनी थी कि दिल्ली बहुत बड़ी है लेकिन आज लग गए दिल्ली छोटी पड़ेगी क्योंकि इतनी संख्या में किसान और नौजवान साथियों की आप बात करांगे। एक भाई देखिया यू रास्ते में झंडा ठहरा था पैदल चलने लग रहा था फिर इसने बताया भाई हमारी पीछे टीम भी हम पैदल जाऊँ एक बंदा यानी यू तिरंगा की एक डाक कावड़ है या आया कर दी भी या दिल्ली जान लग रही किसाना की और इनमें जोश देख सको झंडा भी लगता है तो कुर्ते काट रहे हैं पाछों भाई मिले थे वहाँ भी आए बात कहूँ दे बिला जोश इतना है भाई झंडा खत्म हो तो भाई सारे ना राम 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 भाई। कौन सी जगह थे बने बता दो बड़सी जाटा बड़सी जाटा अंत एक बड़सी 80 तो रबड़ हां हां कब चल रहे हो 1:30 बजे अच्छा 24 एक भाई देखे था पैदल चल रहा था वो कह रहा था कि एक जना पैदल ही चल रहा हां एक जना पैदल चलेगा टर्न बाय टर्न अच्छा पर अपनी अपनी बारी भाई डाक आउट वाला का डाक आउट फिर दूसरा है जगह वो भेज दे सब दूसरा कब तक पहुंचने की उम्मीद है भाई रात को 11 12 बजे तक 11 12 बजे भाई मतलब रुको नहीं के लगा तो चलते रहेंगे तो इब तक भी खूब खींच दिया था हमने मतलब 1:30 बजे चल रहा था 70 किलोमीटर खींच दी 26 जनवरी की तैयारी है तारी पूरी तैयारी भाई 26 जनवरी पूरा जोश है भाई सरकार ने कानून अपने वापस लेने पड़ेंगे नहीं हम घरा नहीं जावा उड़े लटकाटाएं जाके कती है सरकार तोड़ रही इनका कानून तो उल्टे को नहीं हो है कानून उल्टे लेने पड़ेंगे जमींदार मारा गया भाई अंबानी अडानी है ये मन के सबकी में मारा के गया हमारा तो सबकी में नाश होने लग गया है हमारे जमीन सब हमारी चली जाए के करेंगे फिर मामा भाई तो भी कुर्ते ना भाई साहब मैं नहीं बोल सकता झंडा गाड़ा खट्टर की छाती का मैं सवेरे रात में गाड़ देंगे आज सवेरे खट्टर ने छोड़ा देने हम बिल्कुल भी कानून वापिस लेने पड़ेंगे और जमा वापसी नहीं घर वापसी घर वापसी नहीं जाएंगे अच्छा। यही रहेंगे टिकरी बॉर्डर के ऊपर और कल मारी है परेड परसों की हाँ संसद के अंदर ये झंडा काटेंगे रात में नींद नहीं आती फिर दिखा चाचा मैंने देखा कोई दिन लग रहा है ना सोवा नहीं भाई बिल्कुल नहीं सोवांगे कोई दिन लग रहा है दिन तो मारा दिन रात एक और ही मारी दो भी नहीं हो लिए आर चाहिए 4 साल चाल जियो 24 लग हम घर आगे जाओगे भाई ओढ़े रहो भाई क्योंकि इतिहास में पहली बार होगा भाई ट्रैक्टर की परेड दिखाई परेड है भाई भाई साहब की परेड है भाई। आप देख सको एक ट्रैक्टर के बाद एक ट्रैक्टर आ रहा है बिल्कुल रोड पे एक गाड़ी नहीं आ रही उसके बाद हमारे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आ रहे हैं और दिल्ली छोटी पड़ेगी आई भाई मोदी ने भी छोटी पड़ेगी खट्टर ने भी छोटी पड़ेगी सारे सब ने छोटी पड़ेगी दिल्ली अभी दिखा देंगे किसान पहली बार देखी पैदल यात्रा कभी नहीं देखी होगी आपने पहले हम दिखाएंगे हम दिखाएंगे हरिद्वार तो डाका उड़ लेते देखे थे लेकिन ये झंडे लेकर हम 10 डाका उड़ लिया यही टीम है और यही टीम ने निर्णय लिया कि डाक तिरंगा लेके चलेंगे दिल्ली पहली बार होगा ऐसा सात बंदे भाई साहब के कुछ के कहोगे आंदोलन के बारे में आंदोलन ये काला कानून है जो ये सरकार ने वापिस लेना पड़ेगा नहीं 26 तारीख ना मोदी के छाती में काटेंगे जाके सीधा मोदी ना आना पड़ेगा मोदी की मजबूरी होगी इतने किसान आ रहे हैं ना मोदी ना आना पड़ेगा झुकना पड़ेगा कानून वापस लेने पड़ेंगे समुद्र पार जाकर उड़ते भी टोले आवेंगे एक सरकार बयान नहीं दे रही जितने किसान शहीद हुए उन पर कोई नहीं बोले क्या कौन बोलते बोलने भी किए काम सारे करेंगे जीत बोल जाएंगे भाई साहब शहीद मारक बनेगा जीत बोल जाएगी सरकार बकरी वाला काम तो नहीं बोला दूध तो दे टाइम लगाओ भाई साहब फिर बोलेंगे सब कुछ बोलेंगे सारे बोलेंगे खट्टर भी बोलेगा मोदी बोलेगा अमित शाह सब बोलेंगे बोलना पड़ेगा इनको भाई मैं बताऊं किसे का ना जो नेता का बालक हो जाने ये झुंझने लेके चले जाओ हैं ईव के है कोई गरीब आदमी मारे जाओ उसकी कोई वैल्यू नहीं है ये किसान आंदोलन है ना ये एकता का प्रतीक है भाई हमारी का हम सारे किसान एक साथ ना हम कोई जात धर्म देख दे ना कुछ देख दे हम दिल्ली में जावांगे और अपने काले कानून इन्हें वापस लेने पड़ेंगे इन्हें भाईचारा जो एक बनाया या देखने में मिली है इसमें एक 36 बिरादरी मतलब जात पात ऊंच नीच और ये धर्म सारी चीज छोड़ गए एकजुट हो रहे किसान कितना भाईचारा बढ़े इस आंदोलन भाई साहब इस चीज का भाईचारा जिंदगी में कदे नहीं बढ़िया और ना कदे बढ़ेगा इस पर का भाईचारा सदा बने रहा हम तो यही कहेंगे और एक काले कानून एक हो गए किसान आंदोलन तो पंजाब और हरियाणा एक हो गए पंजाब बड़ा भाई है हाँ भाई अजय तो भी नारे ला अरे अजय
तो भाई आपने सुन लिया और पंजाब भाईचारा किसान एकता जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय। तो भाई आपने सुन लिया इन भाइयों में पूरा जोश है और साथ में होश भी है क्योंकि किसान ऐसी कौम है या उसका में खोया करे है। और कल भी एक दो जगह अपन बात करी थी यानी कुछ किसान हंसन लग रहे थे, मैं बोला माता वो हंस क्यों है रोड पर सोना पटे, बोला बेटा किसान वह कौम है जो दुख में भी हंस सका है, सबका बस की बात नहीं है दुख में हंसना। तो रियल में इन भाइयों में जोश भी देख सको होश भी देख सको और पैदल तिरंगा यात्रा इनकी दिल्ली की ओर चल रही है और साथ में रोड पर तो आपने दिखने लग रहे हैं आज सिर्फ ट्रैक्टर ट्रैक्टर दिखेंगे अपना रोड पर, बहुत भारी संख्या में किसान लगातार ट्रैक्टर लेकर जाने लग रहे हैं। हर एक सीन में कहूँ भी आप देख लियो गाड़ी कम मिलेंगी ट्रैक्टर ज़्यादा मिलेंगे, तो भाई गाड़ियाँ पर भी तिरंगे भारतीय किसान यूनियन के झंडे हैं, ट्रैक्टरों पर भी यही हैं और पैदल भी यही हैं। तो भाई ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दे रही हो इन किसानों की जो हाँ देख सको एक बार कर दे भाई पूरा काफिला है, मतलब ये चल दिया यू भाई भाई झंडा ठहर करना यू चल दिया। तो इस तरीके का अपन जो कहने लग रहे थे रंग रूप नए रंग ढंग इस आंदोलन में अपने देखने को मिलेंगे, जुड़े रहियो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो ने शेयर करियो सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो। जय जवान जय किसान।